हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो ATC का नया, आपके पास जो भी गेट एकेडमी की तरफ से कोर्स आ रहा है, मेरे साथ अभी सारे फैकल्टीज बैठे हुए हैं और जब से मैंने कोर्स लॉन्च किया है काफ़ी सारे क्वेरीज इन फोन मुझे आ रहे हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना फैकल्टी के साथ जो उन्होंने वर्कआउट अभी तक किया है पिछले 4 दिनों में 5 दिनों, जब नोटिफिकेशन आया उसके बाद, तो मैंने सोचा कि एक मीटिंग लेता हूं और आप सभी को इस बारे में बता देता हूं क्लियरली कि फैकल्टी का एफर्ट कितना है, आपको कैसा पैटर्न देखने को मिलेगा जब हम 15 जून से क्लासेस स्टार्ट करेंगे, कितने क्वेश्चन का एनालिसिस किया गया है और उसके बाद एक कोर्स वर्क जो किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए, चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे वो FT हो, चाहे हम बात करें हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की। तो मेरे साथ है तरुण सर, अमन सर, सिद्धार्थ सर और ऐश्वर्या मैम, जो अलग अलग पार्ट को डील करने वाले नॉन टेक्निकल का, और मैं खुद फिजिक्स डील करने वाला हूं। तो मैं क्लियरली आप सभी को सारी बात बताना चाहता हूं कि किस पैटर्न में हम लोग एनालिसिस कर चुके हैं और आपको क्या एक्चुअली वीडियो में प्रोवाइड होने वाला है जब 15 को क्लासेस स्टार्ट हुई। क्यों सर? बिल्कुल एकदम सही सर। तो सबसे पहले मैं तरुण सर से बात करूंगा कि तरुण सर कौन सा पार्ट इस AI में लेने वाले हैं और उन्होंने कितना एनालिसिस करके अपना कोर्स वर्क तैयार किया है आप सभी को देने के लिए। तो तरुण सर आप बताएं कि आप कौन सा टॉपिक जो है वो डील करने वाले हैं जब हम ATC का क्लासेस चालू करेंगे और आपकी क्लासेस कब से स्टार्ट होगी, क्योंकि अभी तो हम जो चालू कर रहे हैं वो इंग्लिश की स्टार्ट कर रहे हैं और साथ में हम आपकी स्टार्ट कर रहे हैं न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड की। जी सर। तो आपका नेक्स्ट मंथ जुलाई से स्टार्ट होगा? बिल्कुल, प्रोबेबली। थैंक यू सो मच सर एंड हेलो एवरीवन। और जैसे कि आप सभी को पता है कि जो कोर्स है वो अपना स्टार्ट हो नहीं रहा है, 15 जून से बिल्कुल ये स्टार्ट होने वाला है और अभी तक आपने परचेस नहीं किया है तो जल्दी से उसको कर लीजिएगा। मैं जो आपके साथ जो कोर्स डील करने वाला हूँ, यानी कि जो सब्जेक्ट मैं डील करने वाला हूँ, वो प्रॉबेबली जुलाई से स्टार्ट होगा, जब जो स्टार्टिंग के 2 सब्जेक्ट आपके फिनिश हो जाएंगे। तो इसमें से जो सब्जेक्ट मैं डील करने वाला हूँ वो रहेगा सर करंट अफेयर्स रहने वाला है, करंट अफेयर्स, हिस्ट्री रहने वाला है और इकोनॉमिक्स। इसके अलावा सर कुछ स्टैटिक GK से भी जो क्वेश्चंस आते हैं वो हम डील करेंगे। हालांकि करंट अफेयर जब हम इनको पढ़ाएंगे उस समय बहुत सारी स्टैटिक GK वाली चीज़ें इनको बता देंगे। सर उदाहरण के तौर पे जैसे मैं बताऊं, अभी रिसेंटली हमने एक देखा है अस्त्र वन करके एक हमारा मिसाइल सिस्टम होता है, तो सर जब हम मिसाइल सिस्टम के बारे में बच्चों को पढ़ाएंगे, करंट अफेयर्स में ये अभी चर्चा में है, लेकिन कितने मिसाइल सिस्टम्स होते हैं, मतलब सर सरफेस टू सरफेस क्या होता है, एयर टू एयर क्या होता है, सरफेस टू एयर क्या होता है, उनके बारे में पूरा एक एक एनालिसिस इनको दिया जाएगा। यानी कि ये जी पिछले किसी एग्जाम में यदि पूछा गया है, ATC का तो रहेगा ही रहेगा, ATC के अलावा इससे रिलेटेड और बहुत सारे पेपर्स रहते हैं सर जो उसी के आसपास रहते हैं, सिलेबस ऑलमोस्ट सेम रहते हैं, तो वो सारी चीज़ें भी यहाँ पर कवर की गई हैं और उसमें आने की कोई भी संभावनाएं रहेंगी किसी भी प्रकार की सर, 1% भी यदि रहता तो मैं मान के चलता हूँ कि वो आ सकता है, तो वो सारी चीज़ें हम वहाँ पर डील करने वाले हैं। तो बेसिकली मैं पूछना चाहता हूँ, आप जो ATC के लिए प्लान किए हैं और जो दूसरे एग्जाम्स में आप प्लान करते हैं, क्योंकि आप तो काफी सारे एग्जाम्स के लिए तैयारी करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, तो ATC में विशेषकर आपने जो क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस किया, तो आपको क्या लगता है कि आप उसी पैटर्न पे चलेंगे कि आप जो इन जनरल बाकी पेपर्स के लिए तैयारी करवाते हैं स्टूडेंट्स का, वो पैटर्न आप कवर करेंगे? नहीं नहीं सर, ये स्पेशली डेडिकेटेड रहने वाले ATC के लिए, हम ये उनको जो प्रोवाइड कराएंगे वो इतना रहेगा कि सबसे पहले जो कवर होगा पूरा उनका ATC कवर होना चाहिए, ATC का एक भी चीज जो अभी तक या तो आया है और आने के जो चांसेस हैं, क्योंकि सर पिछले 8-10 सालों से जो भी हमने एनालिसिस किया हुआ है उसके अकॉर्डिंग यदि हम बातें करते हैं, तो जो हम यहाँ पर डील करने वाले हैं, हम इन द सेंस सारे फैकल्टीज यहाँ पर जो डील करने वाले हैं वो सर बेस्ट ऑफ द बेस्ट वहाँ पर डील करने वाले हैं, मतलब उनको जो चीज़ें मिलेंगी वो एकदम कंसाइज वे में और जो ATC के लिए होना ही चाहिए, जो एकदम मस्ट होना चाहिए, वो चीज़ें मिलने वाली है। इसके अलावा यदि कुछ और एग्जाम आ जा रहा है रिलेटेड, तो भी उसके लिए भी उनको बेनिफिशियल होगा। हाँ, हमने कोर्स, आप सभी को बता दूं कि कोर्स का जो ड्यूरेशन है वो हम लोग जरूर से 75-90 डेज में कवर करेंगे और आपका एग्जाम जो है वो मिड ऑफ सितंबर में हो सकता है। यस। और हमारा जो कोर्स का वैलिडिटी है, ड्यूरेशन और वैलिडिटी दोनों अलग अलग चीज है। यस सर। वैलिडिटी जो है वो 1 साल का कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर कोई स्टूडेंट किसी और एग्जाम्स की भी तैयारी करना चाहता है जिसका पैटर्न जो है वो ATC के सिलेबस से मिलता जुलता है, तो आप उसकी भी तैयारी कर सकते हैं ATC के सिलेबस से। एग्जैक्टली, है ना सर। एक क्वेश्चन जो इन जनरल स्टूडेंट्स का फोन पे आ रहा है वो ये है कि आप हिस्ट्री का पार्ट डील करने वाले। हाँ जी सर, बिल्कुल। तो ये हिस्ट्री जो है वो जो टेक्निकल स्टूडेंट होते हैं जो एग्जाम देने वाले हैं, या फिर कोई MSc किया है फिजिक्स में या फिर मैथ्स में, उसके लिए काफी दिनों से छूट गया चीज, मतलब वो 10th में पढ़ा होगा उसके बाद बिल्कुल, मतलब मैट्रिक लेवल के बाद जनरली छूट जाता है। दूसरा ये कि
उनके लिए आप आपके लिए तो जरूर हिस्ट्री में इंटरेस्ट होगा, हाँ, हाँ, लेकिन उनके लिए एक नॉन इंटरेस्टिंग पार्ट होता जी, जी, जी. तो आप कैसा यहाँ पे अजूबा करेंगे कि भाई उनको भी इंटरेस्ट आ जाए आपके? अवश्य अवश्य आएगा सर. जैसे सर एक सिंपल एग्जांपल दूंगा मैं लोगों को, बच्चों को बताना चाहूंगा. जब कोई मूवी आती है मतलब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से जब वो रिलेटेड रहती है, कोई भी मूवीज के एग्जांपल हम उठा लेते हैं, और आप उनको सर 3 घंटे की जब मूवी देख के जब आते हैं, आप उनको कहीं से भी कुछ भी पूछिए वो तुरंत बता देंगे कि हाँ यहाँ पर ये चीज़ें हुई थी. तो सर ये डिजिटल बोर्ड और यहाँ पर जो हम पिक्टोरियल वे में इनको दिखाते हैं, कई बार हम इनको GIF के माध्यम से भी और कुछ एनिमेशन के माध्यम से भी चीज़ें जब हम उनको बताते हैं सर, जैसे हमने बातें कर ली बैटल ऑफ बक्सर की, हम बातें करेंगे. अच्छा बच्चे सर और क्वेश्चन पूछते हैं जरली, कुछ बच्चे हिंदी मीडियम से रहते हैं, प्योर हिंदी मीडियम, उनको हाँ उनको चीज़ें हिंदी में ही चाहिए. टेक्निकल को इंग्लिश में डील कर लेंगे, मैथ्स को कर लेंगे, लेकिन ये GS वाला पार्ट उनको शुद्ध हिंदी में चाहिए. उनको वार नहीं उनको युद्ध चाहिए. उनको लड़ाई, उनको बैटल नहीं उनको लड़ाई चाहिए. तो सर वो उसके लिए निश्चिंत रहें. यदि साउथ के भी स्टूडेंट होंगे तो सर उनको प्योर मतलब जो हम डील करने वाले हैं बाइलिंगुअल रहने वाला है, हिंदी और इंग्लिश दोनों चीजें हम देने वाले हैं उनको. मतलब किसी को प्रॉब्लम नहीं आएगी, किसी को कोई लैंग्वेज इंडियन है, बिल्कुल बिल्कुल फ्रॉम साउथ इंडिया, यस यस यस, उसको भी प्रॉब्लम नहीं आएगी. नो. जो अगर नॉर्थ इंडिया है वो yes, yes. टेक्निकल चीजें इंग्लिश में पढ़ा है और बिल्कुल सर एकदम. एक और क्वेश्चन आ रहा है इकोनॉमिक्स भी आप डील कर रहे हैं जी सर. इकोनॉमिक्स में इन जनरल लोगों का इंटरेस्ट तो लगभग है तो भी वो समझ नहीं पाता. एग्जैक्टली सर यहाँ पे ऐसे रहता है कि बड़े बड़े जो लोग रहते हैं वो खुद नहीं समझ पाते कि चल क्या रहे करके. सर इकोनॉमिक्स में बता रहा हूँ जितने भी बच्चों ने पढ़ा है, फर्स्ट डे और लास्ट डे का एक्सपीरियंस उनका यही बोलता है कि सर आज से हम इकोनॉमिक्स के मास्टर हो गए. अच्छा, मतलब मैं इकोनॉमिक्स इनको इतने इन जनरल वे में बताता हूँ सर. बाजार अगर जा रहे हैं लोग तो कोई चीज यदि खरीद रहे हैं कहाँ पर कितना टैक्स लगेगा, अगर जो CRR जो रेट बढ़ रहा है या रेपो रेट बढ़ रहा है क्यों बढ़ रहा है, यदि आप लोन खरीदते हैं मतलब लोन लेते हैं, कार खरीद रहे हैं, कुछ और खरीद रहे हैं, तो सर जो RBI जो आपके लोन्स के रेट बढ़ा रही है वो क्यों बढ़ा रही है सर, एक एक चीज इनको कोरिलेट कर देता हूँ. मैं भी जानना चाहूंगा. बिल्कुल बिल्कुल सर. जैसे कि हुआ यूं कि अभी हमारे डिपार्टमेंट के एक सर हैं, मुकेश सर आपको पता ही होगा, तो सर ये बोल रहे थे कि मुझे कार खरीदना है. मैंने बोला ठीक है सर, बहुत बढ़िया जी, मैं ही गया था तो बच्चों को भी मैं वो चीजें बता दूं. उसके सर एक बार हम उसको मैं थोड़ा सा यहाँ पर गुप्त वो रखूंगा, एक सर के साथ हम गए थे रेस्टोरेंट. तो उनको हमने बोला कि सर आप जो बिल ले रहे हैं कृपया मुझे दीजिएगा, मैं ही था. इसीलिए मैंने बोला कि गुप्त रख दें. तो मैंने बोला कि वो सर, फिर आपने पूछा कि वो बिल आप क्यों लेना चाहते हैं, तो मैं बच्चों को दिखाना चाहता हूँ कि जो SGST और आपका CGST रहता है, पार्टीशन कैसे होता है, कहाँ पर कितना लग रहा है, और सर्विस चार्ज होता है कि सर्विस टैक्स होता है. मतलब सर एक एक चीज को हम ना प्रैक्टिकल लाइफ से उनको कोरिलेट कर देते हैं, ताकि बच्चा जो रहता है उनको बस किताबी या फिर जो आंकड़े में जो उलझ जाता है ना वो प्रॉब्लम नहीं होते, फिर वो उसको फील करने लगता है अच्छा हाँ सर ये समझ आया करके. तो उनको एक एक चीज बिल्कुल प्रैक्टिकल मिलने वाली है, किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम वहां पे नहीं होने वाली है. चलो बच्चा इनका बात जो है जो तरुण सर ने बताया इनको सुनने के बाद तो मेरे को फीलिंग आ जा रही है कि मैं इनसे पढ़ लूं. तो आपकी क्या फीलिंग है वो आप कमेंट में बताइएगा. हम अमन सर की तरफ जाते हैं और देखते हैं कि इन्होंने अपनी तैयारी आप सभी को देने के लिए किस लेवल का तैयार करके रखा हुआ है. हालांकि ये तो काफी सारे कंटेंट काफी सारे से तैयार कर रहे हैं, लेकिन मैं विशेषकर ये चाहूंगा कि ATC AI के लिए इनकी तैयारी कितनी है वो जानते हैं इनसे बात करके. तो सर आप कौन सा सब्जेक्ट डील करने वाले हैं? गुड इवनिंग सर. सर मेरा सब्जेक्ट रहेगा इसमें ज्योग्राफी और पॉलिटी. बच्चों की नज़र से अगर देखा जाए तो सर पॉलिटी मतलब पॉलिटिक्स हो जाते हैं. तो पॉलिटिक्स और पॉलिटी में क्या क्या डिफरेंसेस है सबसे पहले तो ये बताना है. जैसे सर बच्चे अगर बोलते हैं कि रामनाथ कोविंद अगर हमारे राष्ट्रपति हैं तो राष्ट्रपति का इलेक्शन हुआ कैसे, वही क्यों राष्ट्रपति के रूप में खड़े हुए हैं, वो जब बिहार के जब गवर्नर थे तो गवर्नर से राष्ट्रपति कैसे बने, वो सब चीज़ सर बच्चों को बहुत डिफिकल्टी मतलब फेस करते हैं इसमें. तो ये चीज़ मेरे लोगों को समझाना है. और सर क्वेश्चंस भी बने हुए ATC में. और अगर सर ATC का बात करें तो फुल्ली फोकस्ड रहेगा आपका पॉलिटी हो ज्योग्राफी हो, या फुल्ली फोकस्ड रहेगा आप लोगों का ATC के लिए. और सर आप कुछ क्वेश्चंस भी डील कर रहे हैं स्टूडेंट्स के देने के लिए. जी सर. प्रीवियस ईयर ATC के क्वेश्चन पेपर से तो आपने मतलब पेपर का पूरा एनालिसिस कर डाला. हाँ सर, 8 से 10 साल का मेरा भी वैसे ही है कि 8 से 10 साल जितने सर पॉलिटी और ज्योग्राफी के जो क्वेश्चंस आए वो मैंने सारे देख डाले हैं. तो सर उसमें से एक क्वेश्चन भी था, आज सर मैंने वो वीडियो अपलोड भी करवाया. वो क्वेश्चन था सर कि 7वें नंबर के प्रेसिडेंट कौन है, हु वाज द 7th नंबर ऑफ प्रेसिडेंट. तो उसमें सर मैंने एक ट्रिक बताया है बच्चों को और बहुत ही फनी वे में. सर ट्रिक ये है, राजेंद्र राधा जा गिरे फिसल ना गया रे, सोचा कचड़ा आज पापी राम राम. ठीक है सर. और इसमें सारे प्रेसिडेंट जो आज तक बने हैं सभी का नाम आ गया. सब आ गए, सब भी आ गए सर. 14th नंबर के जो रामनाथ कोविंद जी हैं उनका भी नाम आ गया, और जो 1st नंबर के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं
उनका भी नाम आ गया है सर। और एक क्वेश्चन सर मैंने डील किया था वो ज्योग्राफी का था सर, उसमें था कि कौन कौन से पेपर से 80 हाँ सर प्रीवियस ईयर PYQS, उसमें क्वेश्चन था कि कौन कौन से ऐसे गैस हैं, क्योंकि सर साइंस में भी आता है और ऐसे ज्योग्राफी के साथ भी आता है सर, क्योंकि इसमें हम लोग पढ़ते हैं कि वातावरण के साथ में सर जितने भी गैसेस होते हैं मतलब एनवायरमेंट के साथ में, तो वो क्वेश्चन था सर कि कौन कौन से ऐसे गैस हैं जो ग्रीन हाउस इफेक्ट को प्रोड्यूस करते हैं। तो सर उसमें बहुत फनी सर ट्रिक भी था, ट्रिक था मीना का जलवा मतलब बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है आपकी बात सुन के हाँ सर बात ऐसा ही है कि सर ज्योग्राफी पढ़े पॉलिटी पढ़े बच्चे कुछ भी पढ़े पिक्टोरियल फॉर्म तो रहेगा ही, जैसे सर बताएं तो वो पिक्टोरियल फॉर्म के साथ में सर ट्रिक्स भी रहेगा, मतलब सर बच्चे प्यार कर बैठेंगे एकदम, जैसे जलवा मीना का था ना तो बच्चों को लगेगा आप ज्योग्राफी का जलवा चालू है क्योंकि आपका भी पार्ट है वो ऐसा ही है कि काफी साल से बच्चे पढ़ना छोड़ दिए हैं और अचानक से इस पोस्ट की वजह से बच्चों का झुकाव जो है वो इस कोर्स की तरफ आ रहा है। हाँ सर। तो मैं चाहता हूँ कि आप दोनों का पार्ट जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग और एकदम तो बच्चे जो है उसको लेने के बाद बिल्कुल सेटिस्फाई रहे और उनको सारा चीज समझ में आना फिर से स्टार्ट हो। हाँ सर एकदम आएगा। मतलब जो टेंथ में ज्योग्राफी नहीं भी समझ पाया सिर्फ एग्जाम दे के पास हो गया है। हाँ सर, बच्चों को सोचा था कि लाइफ में कभी मेरे साथ दोबारा ऐसा नहीं होगा कि मुझे ज्योग्राफी पढ़नी पड़ेगी, तो पढ़ना पड़ रहा है मान लो सर, उसके लिए इंटरेस्टिंग हो। उसके लिए एक चीज यही बोलना चाहूंगा कि बेटा ज्योग्राफी मतलब भूगोल और दुनिया गोल है, मतलब सर घूम के आपको वहीं आना है। तो सही बात जी जी। तो हमारे साथ सिद्धार्थ सर भी है और सिद्धार्थ सर जो है वो नॉन टेक्निकल का जो हमारा टीम है उसके हेड है और काफी साल से वो सारे जितने भी सर पेपर एनालिसिस बता रहे हैं तो पूरा एनालिसिस उनके पास रहता है कि हिस्ट्री में क्या चल रहा है, ज्योग्राफी में क्या चल रहा है और बाकी उनका खुद का सब्जेक्ट है रीजनिंग का पार्ट वो डील करते हैं। तो जानते हैं कि सिद्धार्थ सर ने एआई के लिए स्पेशली कितना वर्कआउट कर लिया है अभी तक और हमारे स्टूडेंट्स को यहाँ पे क्या डिफरेंस दिखने वाला है अगर कोई गेट की तैयारी कर रहा है या टेक्निकल बंदा है या फिर कोई नॉन टेक्निकल बंदा है बैंकिंग की तैयारी कर रहा है, क्योंकि बीएससी वाले स्टूडेंट्स भी भर सकते हैं जिन्होंने फिजिक्स मैथ्स से तैयारी किया या एमएससी के स्टूडेंट्स भर सकते, कोई ऐसा भी हो सकता है कि वो पीएचडी किया है वो भी कर रहा होगा, ऐसा भी हो सकता है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि अगर कोई रीजनिंग पार्ट छोड़ चुका है या फिर कोई और बैंक में है और रीजनिंग तैयारी कर चुका है तो ये एआई का सिलेबस उनसे डिफर कैसे है और हमको किस लेवल की तैयारी यहाँ पे जरूरत पड़ेगी? बिल्कुल सर, बिल्कुल। जैसे कि सर हम गेट में भी पढ़ा ही रहे हैं, मैं और ऐश्वर्य में हम लोग दोनों ही पढ़ा रहे हैं, तो गेट में जो बहुत बहुत सिंप्लीफाई वे में आते हैं सवाल लेकिन अच्छे लेवल के होते हैं और बहुत कम पोर्शन होता है, और जो यहाँ पर हमारा एटीसी वाला पार्ट है तो इसमें काफ़ी ज़्यादा पार्ट है, मतलब कि आपको और भी बहुत सारी चीज़ें पढ़नी होंगी। तो गेट में तो गेट वाला बच्चा बिल्कुल कर सकता है, लेकिन ऐसे स्टूडेंट ये ना सोचे कि यार हमने गेट में तो पढ़ा था तो अब यहाँ पढ़ने की नीड नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि वहां पर हमने टॉपिक्स को अलग तरीके से एलैबोरेट किया है अकॉर्डिंग टू द गेट सिलेबस। जैसे सर एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि भाई केक खाना है बट फ्लेवर अलग अलग होता है, चॉकलेट फ्लेवर अलग है, बटर स्कॉच अलग है, वनीला अलग है, तो बस भाई सब्जेक्ट सेम है रीजनिंग लेकिन गेट का फ्लेवर बिल्कुल अलग होता है और इसका एटीसी का फ्लेवर जो है वो अलग होगा। इसी प्रकार अगर मैं बैंकिंग से जुड़ू तो आप सर बैंकिंग सर बिल्कुल लगभग लास्ट 6 ईयर से मैं उस फील्ड में भी हूँ। तो कोई बैंकिंग का बच्चा मान लो वो आपका कोर्स ले ले, हाँ तो सर उसके लिए बहुत प्रॉफिटेबल होगा क्योंकि बैंकिंग में मेजरली जो चीजें पूछी जाती हैं वो तो सिटिंग अरेंजमेंट, पजल, मशीन इनपुट आउटपुट, इनइक्वालिटीज, ये 5 से 6 टॉपिक है जो कि बहुत मेजर तरीके से पूछे जाते हैं। लेकिन जैसा कि एटीसी के पेपर में है तो यहाँ पर न्यूमेरिकल सीरीज, अल्फाबेटिकल न्यूमेरिकल सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, एनालॉजी एंड ऑल्सो स्पेटियल एप्टीट्यूड यानी कि नॉन वर्बल रीजनिंग जो कि बैंक का पार्ट नहीं होता, बैंक में ये चीजें नहीं आती लेकिन इसमें है। और वहीं अगर हम एसएससी कोर्सेज की बात करते तो हाँ एसएससी में चीजें इंक्लूडेड है लेकिन फिर भी यहाँ एक गुड लेवल से, एक डिफरेंट लेवल से, तो बच्चों को इसके अंदर में लेवल बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। सो मोरल ऑफ द स्टोरी, जब हम एटीसी के लिए पढ़ रहे हो तो आप अपनी थॉट प्रोसेस सीखोगे कि क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की थॉट प्रोसेस क्या होगी, नहीं तो जनरली होता कि एक क्वेश्चन सामने आ गया आप सोच ही नहीं पा रहे कि भाई स्टार्ट कहाँ से करना है, फॉर्मूला लगाना है, क्योंकि रीजनिंग फॉर्मूला फ्री होती है जनरली, जैसे ऑर्डर रैंकिंग एक टॉपिक होता है तो जनरली फैकल्टीज उसमें फॉर्मूला वगैरह पढ़ाते हैं लेकिन जो मेरा टीचिंग स्टाइल है मैं उसको पिक्टोरियली प्रेजेंटेशन का यूज करता हूँ और फॉर्मूला रहित पूरी रीजनिंग में, नॉट ए सिंगल फॉर्मूला मैं कहीं पर भी फॉर्मूला से नहीं सिखाता, बस कैलेंडर की कुछ चीजें हैं जहां पर बच्चे फिर शॉर्टकट की डिमांड कर देते हैं, तो जहां भी कहीं शॉर्टकट इंक्लूड होगी मतलब 3 सेकंड अप्रोच, 5 सेकंड अप्रोच, तो फिर वहां पर एक फॉर्मूला इंसर्ट होगा, अदरवाइज सारा बेसिक कंसेप्ट
तो जब मेरे से बच्चे पढ़ते हैं तो उनके साथ में सर यही रहता है कि उन्हें कुछ ध्यान रखने की नीड नहीं है कि यार इस क्वेश्चन को कैसे करना है या इसकी थॉट प्रोसेस क्या है, बिल्कुल भी नहीं। वो जस्ट एक सिंपल सेंस की तरह आ जाता है। जैसे सर हम बच्चे न्यू साइकिल चलाना सीखते हैं तो कई बार जिन बच्चों को नहीं आता है गाड़ी चलाना है साइकिल चलाना, तो उनको ये नहीं पता होता यार गियर कब चेंज करना है, कि इसका कोई निर्धारित समय है क्या कि इसी टाइम पे गियर चेंज करना है, जब बच्चे नहीं सीखा होता है। लेकिन जब सीख जाता है तो ऑटोमेटिक हो जाता है कि हाँ भाई कितनी स्पीड पर है गाड़ी, कहाँ चेंज करनी है, कब क्लच लेना है, ऑटोमेटिक हो जाता है। तो मेरा जो मेन मोटिव रहता है पढ़ाने का वो यही है कि बच्चे का सिक्स्थ सेंस जनरेट कर देना कब आपको कौन सी अप्रोच यूज करनी। पढ़ते वक्त जनरली बच्चे बोल रहे होते हैं कि सर हमको कैसे पता चलेगा, मैं कहा इंतजार करो, रुको थोड़ा सफर करो, अपने आप सीख जाओगे। और एट द एंड वो बच्चे सीख चुके होते हैं और फिर टेस्ट में बेहतरीन परफॉर्म करते हैं और फिर जस्ट थैंक यू ही बोलते हैं कि हाँ सर अब हम सीख चुके हैं कि कैसे करना है। तो ATC के लास्ट प्रीवियस ईयर पेपर्स एनालिसिस में मैंने कुछ लगभग 10 टॉपिक सिंप्लीफाइड करके निकाले हैं जिनसे मैक्सिमम पार्ट आए, और बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि जितना मैं पढ़ा हूं, 10 साल का पेपर मतलब प्रीवियस जो हाँ पेपर आए हैं उसका एनालिसिस कर लिया। हाँ, और ये लगभग कंटिन्यूटी में ही चलता रहता है सर। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर कोई एग्जाम आया तो हमने एनालिसिस करना शुरू किया। ये एनालिसिस की प्रोसेस 365 डेज हमारी ऑनगोइंग होती है। जैसे ही कोई पेपर होता है हम तुरंत उसके पेपर्स निकाल करके अरेंज करके उसके एनालिसिस करके वहीं पे एक कंप्लीट फोल्डर बना करके रख लेते हैं। अभी लैपटॉप नहीं सर मैं आपको दिखाता, लगभग हर एक एक एग्जाम के डिफरेंट डिफरेंट फोल्डर्स बने हुए हैं कि भाई ये इसका एग्जाम, ये रेलवे का, ये बैंक का, ये गेट का। तो ये पूरी प्रोसेस 365 डेज चल रही होती है। तो ऐसा कभी भी नहीं होता कि हाँ भाई अब ये वाला कोर्स आ गया, मतलब ये वाला एग्जाम आ गया तो अब उसका एनालिसिस कर लो, नहीं, वो ऑलरेडी एनालिसिस का पार्ट है। जैसे ही हम प्लान करते हैं कि हाँ अब स्टूडेंट्स की डिमांड है वो ये पढ़ना चाह रहे हैं तो हमको जस्ट अपनी लाइब्रेरी ओपन करनी है एंड वी हैव ईच एंड एवरीथिंग विद दैट एग्जामिनेशन। चलिए, तो सिद्धार्थ सर से आपको पता चला होगा कि ये HOD लेवल का बात की है कि कितना डेप्थ में इन्होंने चीजों का एनालिसिस करके एक अलग फोल्डर में रखा हुआ है, क्योंकि ये जरूरत पड़ता है हर एक HOD को कि वो सारा चीज का जानकारी अपने पास रखा रहे ताकि कोई भी क्वेरी उनसे हो तो उनका आंसर कर पाए। तो इनका लेवल ऑफ नॉलेज वैसा ही है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाते हैं गेट के काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को, और बैंकिंग में भी काफ़ी साल का एक्सपीरियंस है इनका, तो इनको हर एक टॉपिक जो रीजनिंग का होता है उनका पूरा जानकारी है। तो किसी भी स्टूडेंट को AI ATC में कोई भी कमी नहीं छोड़ेंगे, ये हमारे फैकल्टी पूल का कहना है। चलिए आते हैं ऐश्वर्या मैम पे। जस्ट अभी ये क्लास लेके आई है जो साउथ इंडियन स्टूडेंट है, दोज हु आर फ्रॉम साउथ इंडिया, we have a channel that is Gate Academy Global. You can watch from there that how madam is teaching there. So I am going to share some links from the Gate Academy Global also, so that you can get the better idea that how we are in English language. हमारा English language कैसा है वो भी आपको पता चल जाए। तो मैडम आपसे जानते हैं कि आपकी planning क्या है ATC AI को लेकर, आपने कितना analysis किया है और किस level तक आपको पता चल गया है कि हमारे पास AI में questions आते हैं। थैंक यू सो मच सर। सर जैसा कि अभी हम सभी ने डिस्कस किया और अपन सब बैठ के एनालिसिस भी करते रहते हैं, तो सर मतलब टॉपिक्स के नेम सेम है, लेकिन जैसा कि हर एग्जाम में हम लोग देखते हैं, चाहे वो बैंकिंग हो गया, SSC हो गया, गेट हो गया या ESC हो गया, वहाँ पे लेवल ऑफ क्वेश्चंस और हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस एज वेल एज कॉन्सेप्ट्स तक भी चेंज हो जाते हैं। तो हम लोगों के यहाँ पे अगर आप सिलेबस देखेंगे तो आपको लगेगा क्या ये सिलेबस जो है वो मिलता जुलता है हमारे गेट से। कुछ कुछ टॉपिक्स आपको डिफरेंट मिल जाएंगे बट इट इज क्वाइट सिमिलर। बट यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारी अप्रोच डिफरेंट रहती है। जैसे गेट में बात करें तो गेट में बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपको एक एक चीज की डेप्थ पता होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे लैंग्वेज को बहुत इस तरीके से ऑल्टर या मोल्ड कर देते हैं कि स्टूडेंट अगर लैंग्वेज नहीं समझ पाया तो वो वहाँ पे गए। यहाँ पे हम लोग देखें तो हाँ लैंग्वेज के बेसिस पे बहुत ईजी है, लेकिन अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं आता, आपको मेन फॉर्मूला ही नहीं पता एप्टीट्यूड का, तो आप वहाँ पे अटक जाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग जिस तरीके से स्पेशली हमारा न्यूमरल एप्टीट्यूड हम जिस तरीके से पढ़ने वाले हैं उसमें सर हम हर एक टॉपिक को कवर करेंगे, ईच एंड एवरी टॉपिक इज कवर्ड। एंड हम लोग इसी तरीके से करेंगे जैसा कि आपने कहा कि MSc का स्टूडेंट भी हो सकता है भरे, या PhD का स्टूडेंट भी हो सकता है भरे, या कोई BSc कर रहा है फिजिक्स में या मैथमेटिक्स में, हो सकता है वो भी एग्जाम फिल करे। जरूरी नहीं है सिर्फ इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स ही इस एग्जाम को टारगेट करो।
तो सर वो साइमल्टेनियसली मल्टीपल एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं और जैसा कि आपने एक बहुत गुड न्यूज भी सब स्टूडेंट्स को दी कि हमने इसकी वैलिडिटी इंक्रीज कर दी, तो वो एक साल में जितने भी एग्जामिनेशन आ सकते हैं उन सभी की स्टडी एक सिंगल बैच के थ्रू कर सकते हैं, जिसमें हम लोग हर एक टॉपिक को बहुत अच्छे से डील करने वाले हैं और जो टॉपिक्स गेट के अलावा हमारे पास अवेलेबल है उन सबको भी बहुत इजीली हम लोग डील करने वाले हैं और हर एक चीज को बहुत कॉन्सेप्ट से सीखने वाले हैं। तो आपका लैंग्वेज क्या होगा जब आप डील करेंगे? सर आई एम गोइंग टू यूज बायलिंगुअल, ताकि सर साउथ के स्टूडेंट्स भी समझ पाए एंड एज वेल एज हिंदी वाले जो स्टूडेंट है, हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट्स रहते हैं वो भी उन सारी चीज को इजीली ग्रैप कर पाए। तो आपकी क्लास जो है वो 15 से स्टार्ट हो रही है, सबसे पहले आपकी क्लास हो रही है, तो उस क्लास के लिए आपने अभी से पूरी तैयारी करके रखी हुई है? यस सर, पूरी तैयारी। मतलब अगर किसी स्टूडेंट को बोले कि अचानक टेस्ट लेना है, मान लीजिए मैंने आपको दे दिया कि एक वीक की क्लास के बाद आपको टेस्ट लेना है, तो वो टेस्ट पेपर भी आपका रेडी? सर एक्चुअली ये सारी चीजें मैं बताने नहीं चाहती थी, बट ये लाइव टेस्ट भी लोगों के पास रहेगा कि जैसे लेट सपोज कि हम लोग जो टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करते हैं अपार्ट फ्रॉम दैट इनके सरप्राइज टेस्ट भी रहेंगे लाइव क्लासेस में। लेट सपोज कि अभी 2-3 टॉपिक कवर हो गए तो देयर इज अ सरप्राइज टेस्ट की 2-3 टॉपिक्स का कंटेंट मर्ज करके कि हम लोग जो पढ़ा रहे हैं वो कितने अच्छे से ग्रैप कर पा रहे हैं, ताकि हम सभी स्टूडेंट्स को एक सेम एक अच्छे लेवल पे ले जाके पूरा कंटेंट प्रोवाइड कर सके और उनकी प्रैक्टिस को उनके जो एफर्ट्स हैं उनको भी एक फ्रूटफुल वे में ला सके। तो ऐश्वर्या मैम और बाकी फैकल्टी से हमको ये पता चल गया कि हम नॉन टेक्निकल पार्ट जैसे रीजनिंग, एपटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, ये सब में कैसे डील करने वाले। मैं आपको थोड़ी सी बात ये भी बता दूं कि टेक्निकल पार्ट जो मैथ्स और एपटी, मैथ्स और फिजिक्स का पार्ट है, वो पारस सर डील कर रहे हैं, आज हमारे साथ नहीं है, बहुत जल्दी उनके साथ भी मीटिंग करूंगा क्योंकि वो तैयारी में लगे हुए हैं कि आपको क्या क्या कंटेंट देना चाहिए। मैं आपको ये बता दूं कि फिजिक्स का जो पार्ट है वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि फिजिक्स आप लोग बहुत पहले ही पढ़ना छोड़ चुके हैं तो उसके क्वेश्चंस जो है उसको भी हम लोगों ने लास्ट कुछ ईयर्स का जो हमारे पास पेपर है पूरा एनालिसिस कर दिया, उतना टफ नहीं पूछता है, पहली बात तो ये बता दूं, क्योंकि काफ़ी लोग ये सोच रहे हैं कि फिजिक्स का पार्ट बहुत पहले से छूटा हुआ है तो हम लोग के लिए वो पार्ट टफ पड़ेगा, तो एक्चुअली में टफ नहीं पड़ेगा क्योंकि बेसिक जो नीड है इस पर्टिकुलर फॉर्म को भरने का वो मैथ्स और फिजिक्स है। अगर कोई भी स्टूडेंट अगर इस फॉर्म को फिलअप करता है तो मैं ये सोचता हूँ कि वो मैथ्स और फिजिक्स तो ज़रूर से जानता होगा। तो आपने पढ़ के पढ़ना छोड़ चुका है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप सब कुछ भूल गए हैं, जैसे ही आप हमसे कनेक्ट होंगे फिजिक्स और मैथ्स का पार्ट भी आपसे कनेक्ट हो जाएगा, बस आपने पढ़ाई छोड़ चुकी होगी ऐसा हो सकता है, लेकिन जिस तरीके से हम आपको पढ़ाने वाले वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, बहुत ही इनडेप्थ होगा और आपको चीज़ें ईजिली कैच होगी, ये हमारी कोशिश है। क्योंकि हम ये जानते हैं कि जो फॉर्म भर रहे हैं हो सकता है वो काफ़ी दिन पहले अपनी पढ़ाई छोड़ के कहीं जॉब पे भी लग गया होगा, क्यों सर? एकदम सर, बिल्कुल। तो ये हमारा प्लान है और मैं चाहता था कि आप सबको इसके बारे में पता चले। हमारा कोर्स जो है वो अवेलेबल है, हमारे गेट अकेडमी लाइव क्लासेस ऐप में अवेलेबल है और उसके साथ साथ हमारे वेबसाइट में भी अवेलेबल है, www.gateacademy.co.in में, तो आप जा सकते हैं वहाँ से, वहाँ कोर्स में रजिस्टर हो सकते हैं और अपनी प्लानिंग को हमारे साथ कर सकते हैं। अगर आपको लगा हो कि हमने उसके लिए मेहनत किया है तो डेफिनेटली आप हमसे जुड़िए और आप भी अपने इस पर्टिकुलर पोस्ट को पाने के लिए वैसा ही मेहनत कीजिए जितना हमारे फैकल्टी दिन भर मेहनत करने के बाद शाम को आज हम लोग यहाँ मीटिंग कर रहे हैं। जी सर। तो इतना ही आपको भी एफर्ट करना है कि आप इतना मेहनत करो कि जब रिजल्ट आए तो आपका नाम उसमें हो और आप भी इस तरीके से बैठ के मस्त पार्टी कर सके, क्यों सर? जी सर। तो ये हमारी प्लानिंग है, देखते हैं आप में से कितने लोग हमारी इस बात को समझते हैं और जुड़ते हैं। काफ़ी सारा रजिस्ट्रेशन हो चुका है और जो क्वेरीज मैंने सर और मैडम से किया है वो उन क्वेरीज, वो क्वेरीज हैं जो मैंने अपना फ़ोन नंबर जो वेबसाइट में दिया था उससे जो मुझे कॉल आया वैसे क्वेरीज मैंने आपसे कर ली है सर, और मुझे लगता है कि जिन स्टूडेंट्स को डाउट था उनको क्लियर हो गया होगा। बाकी हम ऐसा ही मीटिंग और आपके जो डाउट्स हैं उसको क्लियर करते रहेंगे समय समय पर, जब जब आपको लगे। इस वीडियो के कमेंट में मैं चाहूंगा कि आप वो सारे डाउट्स को फिर से कमेंट करें ताकि हम उसके आंसर कर सकें और आपको एक अच्छा कोर्स प्रोवाइड कर सके जो इंडिया पे कहीं पे भी ना। बिल्कुल सर। ओके, थैंक यू।